दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पानी की टंकी है मेरे छत पे और मेरे ये वाले बाथरूम में बिल्कुल भी पानी का प्रेशर नहीं आ रहा था। तो इस समस्या को मैंने सॉल्व किया है वाटर बूस्टर पंप से। तो आज मैं इसका रिव्यू करने जा रहा हूँ और बताता हूँ कैसे ये मोटर काम करता है, मैंने कितने में लिया और इसकी वाटेज कितनी लगती है। तो दोस्तों ये है वाटर बूस्टर पंप, देख सकते हैं आप, ये वी गार्ड का वाटर बूस्टर पंप है। इसको मैंने 4000 में मंगाया है और इसका स्पेसिफिकेशन में ये है कि इसका वाटेज जो खाता है वो 140 वाट पे चलता है और ये ऑटो ऑन ऑफ होता है। जैसे ही पानी आप स्टार्ट करेंगे नल में या शावर में तो ये ऑटोमेटिक मोटर स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही पानी बंद करेंगे तो ऑटोमेटिक मोटर बंद हो जाएगा। ये इन्वर्टर से भी चलता है इसलिए कोई इशू नहीं होता है। देख सकते हैं दोस्तों ये है मेरे छत और इसी पे वाटर का टंकी रखा हुआ है पानी का और यहाँ गीज़र है। तो यहाँ से हो करके नहीं आ रहा था गर्म पानी, नॉर्मल ठंडा पानी तो वैसे भी आ जाता है लेकिन गर्म पानी नहीं आ रहा था। और गर्म पानी में थोड़ा सा प्रेशर होना चाहिए क्योंकि नॉर्मल पानी तो डायरेक्ट लाइन से आता है ना और ये घूम करके ऐसे ऐसे आना है तो इसको दिक्कत होती है। अब मैंने इसको फिट कैसे किया, ये है इनपुट, यहाँ से ठंडा पानी जाता है मोटर में, इसका प्रेशर बनता है मोटर ऑन होने से और यहाँ से होते हुए ये आ जाता है इनमें और यहाँ से आपका गर्म पानी प्रेशर के साथ आता है जो कि यहाँ से आता है। मैं दिखाता हूँ कैसे ये काम करता है। आप यहाँ देख सकते हैं पानी का प्रेशर आ रहा है। अब इस मोटर को देखिए दोस्तों, मैंने मोटर का स्विच बंद कर दिया है और पानी का प्रेशर इस तरह से आ रहा है। अब मैं स्विच ऑन करूँगा, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया पानी का प्रेशर आने लगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पानी का प्रेशर कैसे आ रहा है। तो आप चाहें तो दोस्तों इसको मेन लाइन में भी कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने तो इसको सिर्फ गीज़र में लगाया क्योंकि मेरे गीज़र में ही पानी स्लो आ रहा था। अगर आप चाहें तो पूरे बाथरूम का कनेक्शन में ही अगर इस मोटर को डाल दें तो पूरे बाथरूम में आपका पानी का प्रेशर तेज आएगा। दोस्तों इसके अलावा भी एक ऑप्शन है, अगर आपके पूरे घर में इंटायर चारों तरफ पानी का प्रेशर नहीं आ रहा है तो इस तरह का मोटर आप देख सकते हैं फोटो में, इस तरह का मोटर ये 1 HP 1/2 HP सब में आता है तो बड़ा साइज़ का मोटर होता है, ये आप लगवा लें तो ये भी आपका वाटर प्रेशर देगा। तो इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारी के लिए मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने ये सजेशन दिया था कि अगर आप वाटर बूस्टर पंप लगाने की जगह पे अगर आप टंकी को 4-5 फीट ऊंचा लोहा का स्टैंड बनवा के लगवा देते तो आपको ये समस्या नहीं होती पानी का प्रेशर का। तो मैंने उस पर भी विचार किया था तो मैंने देखा कि एक स्टैंड बनवाने में मेरे 5000 रुपये लग रहे हैं, फिर स्टैंड में रस्ट भी लगता है, पेंट भी करा, उसकी मेंटेनेंस भी है और मेरे पास 3 टंकी यानी 15000 रुपये लग जाते हैं। मैंने मोटर मंगाया सिर्फ 4000 रुपये में और एक समस्या वो भी था और दूसरा कि अगर मैं स्टैंड बनवा के लगवा भी देता और कभी टंकी में पानी नहीं रहता और तेज आंधी चलती तो टंकी हवा में उड़ भी जाते हैं। तो ये सब समस्या की वजह से मैंने टंकी को कुछ नहीं किया, सीधे वाटर बूस्टर पंप लगाया। दोस्तों आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो अगर आपके पूरे घर में पानी का प्रेशर चाहिए, पूरे घर में अगर पानी का प्रेशर नहीं आ रहा है तो आप एक इस तरह का वाटर बूस्टर पंप लगा सकते हैं। 1 HP 1/2 HP में भी आता है जो पूरे घर को पानी का तेज प्रेशर देगा। तो आप देख सकते हैं फोटो में इस तरह का वाटर बूस्टर पंप भी लोकप्रिय है, इसको भी लोग लगाते हैं तो आप इसको भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल यंत्र ज्ञान को आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।